मार्केट में कई प्रकार की बर्फी मिलती है, पर उनमें से एक बर्फी बहुत खास है जिसका नाम है मैंगो बर्फी। स्वाद से भरपूर मैंगो बर्फी, अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो आप इस बर्फी के दीवाने हो जाएंगे। तो बिना समय बिताए बनाते हैं मैंगो बर्फी। नमस्कार दोस्तों, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पीस दशहरी आम। आम को हमने पानी से पहले ही धो लिया था, अब हम आम को छीलेंगे। अब हम छीली हुई आम को कट करके पल्प निकाल लेंगे। कटा हुआ आम के पल्प मिक्सर के जार में डालेंगे, साथ ही 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंगो का पेस्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी हल्का गर्म हो जाए, गैस को हम मीडियम कर देंगे और तैयार किया हुआ मैंगो पेस्ट पैन में डालेंगे। पेस्ट को घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। मिनट के बाद इसमें उबाला हुआ 1 गिलास दूध डालेंगे। दूध को पेस्ट के साथ अच्छे से मिला देंगे। पेस्ट में दूध अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक चलाते रहेंगे। 4 मिनट के बाद अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बर्फी को और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, अब हम इसमें 50 ग्राम नारियल का बुरुदा डालेंगे। नारियल के बुरुदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा और बर्फी के लिए मावा न बन जाए। दोस्तों, जब तक बर्फी के लिए मावा तैयार हो रहा है, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पेस्ट गाढ़ा हो रहा है। अब हम बर्फी को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बर्फी के लिए पूरी तरह से मावा बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतार लेंगे। बर्फी जमाने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेट लिए है। इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। घी लगाने के बाद तैयार किया हुआ मावा प्लेट में डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे। अब हम यहाँ पर लिए है 6 से 7 पीस काजू। कटर में डालकर इसे बर्फी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब हम काजू को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि मावा में चिपक जाए। अब हम इसे फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो खुले में भी रख सकते हैं। दोस्तों, देखिए, 5 घंटे के बाद बर्फी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे बर्फी के आकार में काट लेंगे। सुपर टेस्टी सॉफ्ट मैंगो बर्फी पूरी तरह से बनकर तैयार है। मैंगो बर्फी बहुत टेस्टी है। आप इसे अपने घर पर बनाइए, परिवार को खिलाइए और कमेंट करके हमें बताइए आपको बर्फी कैसी लगी। ऐसी और रेसिपी के
के लिए सब्सक्राइब करें मीना की रसोई को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों को ख्याल रखिए। नमस्कार।